हेलो फ्रेंड्स, दिव्यास हेल्दी किचन में आज हम बनाएंगे कच्चे नारियल की खीर। ये साउथ इंडियन रेसिपी है। साउथ में इसे कोकोनट पायसम कहते हैं। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें आधा लीटर हमें फुल क्रीम मिल्क लेना है और दूध को हमें उबाल लेना है। उबाल कर इसे नॉर्मल ठंडा कर लेना है, कच्चा दूध इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद हमें कोकोनट लेना है और कोकोनट का ऊपर का जो ब्राउन कलर का हिस्सा होता है वो स्किन हमें निकाल देना है और वाइट वाला हिस्सा इस तरह हमें मिक्सर में पीस लेना है। आप देख सकते हो करीबन एक नारियल का किस हमने लिया हुआ है। और एक कटोरी हमें मखाने लेना है, एक कटोरी हमें ड्राई फ्रूट्स कट कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने पिस्ता, बादाम और काजू लिया है। आप अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। एक कटोरी चीनी लेना है। फ्लेवर के लिए अक्खी इलायची ली है, आप इसके जगह पर इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। अब सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है। अब इसमें एक चम्मच घी को डाल देना है। घी के गर्म होते ही इसमें हमें ड्राई फ्रूट ऐड कर लेना है। साथ ही साथ इलायची भी इसमें डाल देना है। अब इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसमें मखाने ऐड कर लेना है। मखाने भी हमें ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें इस तरह से साइड पर कर देना है। अब हमारा छीना हुआ कच्चा नारियल है, इसे ऐड कर लेना है। अब इसे हमें ड्राई फ्रूट और घी में अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये कच्चे नारियल की खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। अभी जन्माष्टमी आ रही है तो उस दिन भी आप इसे ज़रूर बनाना और कान्हा को इसका भोग लगा देना, बहुत ही अच्छा रहेगा। कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। 2-3 मिनट चलाने के बाद इसमें अब हमें मिल्क को ऐड कर लेना है। आधा लीटर मिल्क को हमें ऐड कर लेना है। अब इसे अच्छे से चला लेना है। इसे अच्छे से एक उबाल आने देना है। इसके बाद हम इसमें चीनी को ऐड करेंगे। ये खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे उपवास में बना सकते हो या कोई भी फेस्टिवल व्रत में या जन्माष्टमी होती है उसमें भी आप इसका भोग लगा सकते हो। अब इसे एक उबाल आने देना है। अब उबाल आने के बाद इसमें चीनी ऐड कर लेना है। मीठा आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो। गैस की मीडियम फ्लेम पर इसे हमें 7-8 मिनट अच्छे से उबाल लेना है। अब करीबन 7-8 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। अब हमारी कच्चे नारियल की खीर बहुत ही अच्छे से बन चुकी है और हल्की से आप देख सकते हो गाढ़ी भी बन गई है। अब इसी स्टेज पर हमें गैस को बंद कर देना है। चलिए, इसे हमें सर्विंग बाउल में निकाल लेना है। अब रेडी है हमारी कच्चे नारियल की खीर। इस त्यौहार और फास्ट पर आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।